हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे भाई। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे क्यू एन ए में। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका जो मैं जवाब देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो सबसे पहला सवाल है एस जे टाल्स का। इनका सवाल ये कि प्लीज मेक कैमरा रिव्यू बिटवीन सैमसंग गैलेक्सी M35 वर्सेज सैमसंग गैलेक्सी A35। तो मेरे भाई, आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है, कैमरा रिव्यू तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पंगा हो गया था। M35 हमने बाय किया था, बट है कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसका कैमरा टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा। बट आपको इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है वैल्यू फॉर मनी, तो मैं आपको M35 रिकमेंड करूँगा। आप वो फ़ोन जो बाय कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत ही सही स्मार्टफोन है, और मैं भी पर्सनली उस फ़ोन को परचेस करने वाला हूँ। एक थोड़ा मामला है, वो ख़त्म हो जाए तो वो फ़ोन हमारे पास आ जाएगा। तो वेट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज़ आपको इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो आप सैमसंग गैलेक्सी M35 जो बाय कर सकते हो। और यहाँ पे अगला सवाल है वासपोड़ा रेखा बहन का। इनका सवाल ये है कि तुम रिव्यू करने के लिए डेली नए नए मोबाइल लेते हो। तो जी हाँ, मैं हर रोज एवरी डे नए नए फ़ोन जो परचेस करता रहता हूँ, और ये सब आप लोगों की बदौलत है। यानी कि यूट्यूब फैमिली नहीं होती तो काश ये सब इतने फ़ोन्स, यानी कि मेरा लाइफ में जो कुछ भी आप हो सब आपकी ही है, मतलब आपकी ही देन है। आप यूट्यूब के इतने सारे मतलब सब्सक्राइब नहीं होते, हमारे जितनी भी ऑडियंस देख रही है सबका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना कुछ भी मेरे लाइफ में अभी हो रहा है वो सब कुछ यूट्यूब से ही हो रहा है। तो मैं हर रोज न्यू फ़ोन परचेस करता हूँ, कोई भी रिव्यू यूनिट फ़िलहाल कोई कंपनी हमें देती नहीं है। जितने भी फ़ोन्स आप देख रहे हो इस चैनल पे, वो सभी खुद के पैसों से खरीदे हुए फ़ोन है, और मुझे बचपन से फ़ोन का बहुत शौक है, और ये शौक आप लोगों की वजह से जो पूरा भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे अगला सवाल है परवीन का। इनका सवाल ये कि चार्जिंग स्लो होता है, 2 या 2.5 घंटा लगता है वीवो Y28e में। तो ऑब्वियसली मेरे भाई, इस फ़ोन के अंदर आपको जो 15 वॉट सपोर्ट मिलता है, यानी कि 15 वॉट तक का ही चार्जर आता है, और आई थिंक इसके अंदर जो बैटरी वो 5000 mAh की है, तो इतना टाइम तो लगेगा ही, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। चाहे आप इसके अंदर कितना भी फास्ट चार्जर लगा दो, सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फ़ोन की कैपेसिटी है 15 वॉट तक ही। तो आप 15 वॉट तक ही आप इस फ़ोन को जो चार्ज कर सकते हो, और इतना टाइम तो 100% होने ही वाला है। तो 2-2.5 घंटा तो यार लगेगा इस फ़ोन को चार्ज होने में। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो। इस फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, ओनली फॉर 15 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और शायद इस फ़ोन में तो आपको चार्जर एडेप्टर भी अलग से परचेस करना रहेगा, तो ये है, अदरवाइज़ कुछ सोल्यूशन नहीं है, इतना टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगला सवाल है तपसिस ब्लॉक का। इनका सवाल है कि इंस्टाग्राम कैमरा क्लियर नहीं आ रहा है, न्यू फ़ोन है मेरा नॉर्ड सी फॉर लाइट। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जो कमेंट्स आ रही थी कि इंस्टाग्राम कैमरा इसका कैसा है, या तो इंस्टाग्राम कैमरा अच्छा नहीं है, तो मुझे तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, यानी कि इंस्टाग्राम कैमरा में ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह इसका यूज़ करता ही नहीं हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स की कमेंट्स आ रही थी, और आपने भी कमेंट्स की, तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्लियर लिखते नहीं, यहाँ पे लिखा है सिर्फ इंस्टाग्राम कैमरा क्लियर नहीं है, मतलब वीडियोग्राफी में या तो फोटोग्राफी में, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो भी कोई लिखता नहीं, ऐसे ही इंस्टाग्राम के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती होगी, बट अपडेट के जरिए से OnePlus इसको फिक्स करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल इस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी इंस्टाग्राम के लिए ऐसे ही रहने वाली है, अपडेट में हो सकता है कुछ चेंजेस हो, अदरवाइज़ कुछ फिलहाल सोल्यूशन नहीं है। और यहाँ पे अगला सवाल है दुलाल का। इनका सवाल ये कि सर, व्यू V30 में इमेज इरेजर और AI फीचर्स है या नहीं। तो देखो मेरे भाई, AI फीचर्स की हम बात करें तो हो सकता है वीवो कंपनी जो फीचर में हमें अपडेट के जरिए से जो वी सीरीज़ है, यानी कि V30 वगैरह, उसके अंदर AI फीचर्स दे, बट अभी रिसेंटली इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जैसे कि AI फीचर्स तो हरगिज़ नहीं। हो सकता है इमेज जो इरेज वगैरह कर सकते हो, बट AI फीचर्स तो इस फ़ोन के अंदर हरगिज़ नहीं है। और देखते हैं अपडेट के जरिए से वीवो कुछ AI फीचर्स अपने जो न्यू फ़ोन है उसके अंदर ला पाता है या नहीं, एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते, अपडेट में हो सके तो, अदरवाइज़ तो फ़िलहाल आपको इस फ़ोन को जो ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा विदाउट AI। और यहाँ पे अगला सवाल है अंकिता यादव का। इनका सवाल ये कि सर, ब्राइटनेस कैसे बढ़ाए Redmi 13 5G।
तो अंकिता, इसका जो सिंपल तरीका है, यानी कि ऐसे कंट्रोल पैनल ओपन करो और यहाँ से जो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो वैसे ही बढ़ा सकते हो, और फिर भी आपको ब्राइटनेस कम पड़ रही है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे रेडमी 13 5G की ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं लगी, खास करके आउटडोर विजिबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो शायद आपका भी कहना यह है कि जो फुल ब्राइटनेस करने के बाद भी आपको कम पड़ती उसको कैसे बढ़ाए, तो उसका कुछ सलूशन नहीं है। आप ब्राइटनेस नहीं बढ़ा सकते, उस फ़ोन का लिमिट है, उतना ही आप ब्राइटनेस इसमें जो यूज़ कर सकते हो, आई थिंक 5500 इतना कुछ ही आप जो इसके अंदर जो बढ़ा सकते हो, तो बहुत ही कम ब्राइटनेस है मैं मानता हूँ, बट कुछ सलूशन नहीं है, इस फोन की ब्राइटनेस ऐसे ही रहने वाली है। और यहाँ पे अगला सवाल है निधि का, इनका सवाल ये कि Vivo V40 Pro में AI फीचर्स आएंगे, और आएंगे तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, और Vivo V40 Pro की प्राइस क्या होगी, मैं वेट कर रही हूँ, वो फ़ोन मुझे बाय करना है। तो देखो, जैसे कि मैं आपको इस पहले में Q&A में सवाल एक पिक कर चुका हूँ, जैसे कि Vivo V40 में शायद AI फीचर्स नहीं मिलेंगे, और प्राइस की मैं आपको बात करूँ तो आई थिंक प्राइस होगी 40 के आसपास, यानी कि 40,000 के आसपास उस फ़ोन की प्राइस जो रहने वाली है। अब एग्जैक्टली नहीं कह सकता है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो V सीरीज़ होती है V40 Pro खास करके, तो उसके अंदर आपको इतनी प्राइस पकड़नी होगी तब जाके आप इस फ़ोन को जो बाय कर सकते हो। और AI फीचर्स की रही बात, तो देखते हैं एग्जैक्टली कब Vivo जो लॉन्च करता है। फिलहाल Vivo की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि उनके फ़ोन के अंदर AI फीचर्स आने वाले हैं, लेट्स सी। और यहाँ पे अगला सवाल है जागृति का, इनका सवाल है कि एडिटिंग से लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं क्या इसमें Vivo Y36? तो नहीं जागृति, आप इसमें एडिटिंग के जरिए से लिपस्टिक नहीं लगा सकते, बट जो इंस्टाग्राम की ऐप्स है उसके अंदर आप फिल्टर्स वगैरह लगाओगे तो आपकी होठों पे लिपस्टिक आ जाएगी, तो ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज कुछ एप्लीकेशंस आती होंगी जिसको आप यूज़ करके भी कर सकते हो, बट जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है उससे तो हरगिज़ आप जो ऐसा एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको इंस्टाग्राम ऐप्स का जो फिल्टर से वो यूज़ करना पड़ेगा, या तो कोई एप्लीकेशन से आप जो एडिट वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज़ तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं। और दोस्तों, बात करते हैं हमारे संडे के होने के लास्ट सवाल की, तो यहाँ पे लास्ट सवाल है लखन पंडित का, इनका सवाल ये कि भाई Vivo V17 की प्राइस बता दो। मेरे भाई, ये फ़ोन फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको ब्रांड न्यू परचेस करना है तो नहीं मिलेगा। 2019 में Vivo ने ये फ़ोन जो लॉन्च किया था, और उसकी उस समय प्राइस थी 23,000, यानी कि Vivo V17 की प्राइस 23,000 रुपये थी 23 के, और अभी ये फ़ोन जो ब्रांड न्यू आपको नहीं मिलता है, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा आप सेकेंड हैंड में भी इस फ़ोन को जो परचेस करो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फ़ोन को, तो आपको ये फ़ोन परचेस करना ही नहीं है। आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन आपका अच्छे से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ ब्रांड न्यू फ़ोन तो मिलता ही नहीं, और सेकेंड हैंड आपको बिल्कुल भी नहीं परचेस करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संडे Q&A। आई होप कि आप लोगों ने जो जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और एक बात फ्रेंड्स, कि आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आज के किसी लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी सवाल पिक कर लेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप डायरेक्टली वहीं पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है फ़ोन के अंदर, तो वहीं पे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉल्स आता रहता है, तो किस किससे मैं बात करूँ ऐसा दिक्कत हो जाता है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ऑनेस्टली आपका जो भी सवाल होगा वो वहीं पे भी पिक किया जाएगा, और आपको मैं आंसर भी करूंगा। तो एपी गाइज, के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।